पूरी भारतीय जनता पार्टी इस समय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को टारगेट किए हुए है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि 15 महीने तक कोई काम नहीं करने वाले कमलनाथ किस मुंह से भाजपा के 15 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 50 साल के कार्यकाल पर भाजपा के 15 साल कई गुना भारी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव तक रोज घोषणाएं होंगी, भाजपा को पहले अपने 15 साल का हिसाब देना होगा। कमलनाथ के इस बयान पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 15 महीने में आपने सिर्फ धोखा दिया। किसानों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया, इसीलिए आम जनता तो दूर, अपने ही सांसद, विधायकों और मंत्रियों का विश्वास खो दिया। कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ ने अगर काम किया होता तो इस तरह सरकार से सड़क पर आने की नौबत नहीं आती। कमलनाथ को भाजपा के सवाल करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो जो कहती है वो करती, पर कमलनाथ जी पहले आप अपना गिरेबान झांक के देखें कि आपने क्या किया है। आपने चुनाव के पहले 2018 में कहा था कि 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, नहीं तो राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन में 15 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। किया क्या? सिर्फ जीवान चलाई है। उसके अलावा आपने किसानों को कहा, धोखा दिया आपने, युवाओं को धोखा दिया आपने, महिलाओं को धोखा दिया आपने, बुजुर्गों को धोखा दिया आपने, दिव्यांगों को धोखा दिया आपने, वृद्धों को धोखा दिया आपने, शिक्षकों को धोखा दिया आपने, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को धोखा दिया आपने, अपनी पार्टी के नेताओं को धोखा दिया, विधायकों को, सांसदों को धोखा दिया। वो बेचारे जवाब नहीं दे पाते और इसलिए तो आपने धोखाधड़ी की, इसलिए तो आपकी सरकार गई, आप सत्ता से फुटपाथ पे आ गए। अगर आपने जो वादे किए थे, जो घोषणाएं की थी, वचन पत्र दिए थे, उसको पूरा करते तो आज आपके ये दिन नहीं होते। और इसलिए आपको तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न करने का। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा, उसको हमने चरितार्थ किया है और 15 साल का हिसाब भी लेना। कमल पटेल ने कहा कि वर्ष 2003 में भाजपा सरकार बनी तब प्रदेश में केवल 2,990 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था। पूरा राज्य बिजली के संकट से जूझ रहा था। आज प्रदेश में 18,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ाकर राज्य को आत्मनिर्भर बनाया जा चुका है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भाजपा के आने से पहले पिछड़ा हुआ था। प्रदेश में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, जिसे बढ़ाकर 42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कर लिया गया है। इससे पहले जहां कृषि उत्पादन में हम माइंस में थे, वहीं अब 26% ग्रोथ के साथ प्रदेश को कृषि क्षेत्र में अग्रणी बना लिया गया है। सड़कों के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मिस्टर बंटाधार के नाम से विख्यात थे, आज गांव-गांव तक सड़क का जाल बिछा है। हम बता रहे हैं कि 2003 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, उस समय मध्य प्रदेश में मात्र 2990 मेगावाट बिजली पैदा होती थी, वो आज बढ़कर 18,000 मेगावाट से ऊपर कर दिया, आत्मनिर्भर बना दिया। गांव में, शहर में 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं। फीडर सेपरेशन किया है हमने। सिंचाई 50 साल के आपके कांग्रेस के शासन में, राजा महाराजाओं के, अंग्रेजों के शासन में मिलाकर कुल 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई थी, वो भारतीय जनता पार्टी के इन 15 साल के शासन में 42 लाख हेक्टेयर से अधिक हमने करके दी। और इसलिए प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन, कृषि उत्पादन बढ़ा है और कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश को भारत में सबसे अधिक मिला है, तो 6 साल तक लगातार मध्य प्रदेश को मिला है। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो बंटाधार मुख्यमंत्री थे, कृषि का उत्पादन माइनस में था, कृषि की ग्रोथ 2% माइनस, 4% माइनस, उस माइनस को ऊपर लाकर बंटाधार मध्य प्रदेश को एक विकासशील मध्य प्रदेश के रूप में लाए, विकसित मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर किया है और 26% से अधिक ग्रोथ मध्य प्रदेश में कृषि की है, तो भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुई है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।